दोस्तों यहां पे सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए कि यहां पे हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको 1,20,000 की यहां पे लिमिट मिली हुई है और 1,00,000 रुपए वो यहां से निकाल भी चुके हैं, सक्सेसफुली उनके अकाउंट में आ भी चुका है। हमेशा मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि बेने भाई कोई ऐसी नई ऐप लेके आओ जो हम जिसपे विश्वास कर सके और जो कम से कम बड़ा लोन दे सके। आज मैं ऐसी ही ऐप लेके आया हूं जो आपको मैक्सिमम 5,00,000 तक का लोन दे सकती है, घर बैठे आप ले सकते हैं। ये 2023 में लॉन्च हुई थी और 2024 में भी ये वर्क करेगी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अभी इसको पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, न्यू लोन ऐप इसी साल लॉन्च हुई है। 5,00,000 का लोन आप घर बैठे ले सकते हैं। बकायदा आज मैं आपको लाइव अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट लगाने हैं, यहाँ पे अपनी सेल्फी देनी है, क्या क्या चीजें आपको लगानी पड़ेगी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। इस ऐप के बारे में एक का एक जानकारी दूंगा आपके सामने ही लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। अगर पैसे की बहुत जरूरत है तो इस ऐप से आप घर बैठे लोन ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, जब मैं अप्लाई करूंगा उसी के दौरान आपको बता दूंगा। तो अगर लोन की आवश्यकता सच में है तो इस ऐप से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, बाद में अप्लाई करना, वरना अगर आपने कोई मिस्टेक करी लोन आपका अप्लाई नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या सिविल चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या इनकम प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड मिलेगा, सब कुछ मैं जानकारी दूंगा। तो एक काम करो, वीडियो को लास्ट तक देखो। तो पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऐड लिख करोगे @vinayalv0। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देना, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। हर बात हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं। अब दोस्तों एक बात का ध्यान और रखें, जिस ऐप से लोन ले रहे हैं, चाहे ये हो गए कोई भी ऐप हो गई, NBFC RBI अप्रूव्ड है या बैंक से ले रहे हैं लोन, तब ले चुकाने में सक्षम हो, जो भी इनकी डेट है रिपेमेंट की उस पर समय से चुका सके, तभी ले। इमरजेंसी हो, नीड हो, बहुत ही खास जरूरत हो, तभी इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये लोन का एक ऐसा जंजाल है, अगर फंस गए तो हम निकल नहीं पाओगे। हमेशा रिपेमेंट टाइम से करता रहो तो ही बचवाओगे, नहीं तो समय से नहीं किया तो बहुत बिरा फंस सकते हो। तो ठीक है, आपको डिटेल शेयर करता हूं कौन सी ऐप है, तो यहाँ स्क्रीन पे देखिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जाइब इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप की। यहाँ पे सबसे पहले दिखा दूं, 1 मिलियन पर डाउनलोड है, 4.1 की रेटिंग है। आपको न्यू ऐप चाहिए था ना, अब मैं आपको दिखाता हूं ऐप में, तो ऐप में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो ऐप है इसी साल 10 जनवरी 2023 को जो है प्ले स्टोर पर डाली गई। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहला वीडियो इसका मैंने ही बनाया था और आज इसके 1 मिलियन पर डाउनलोड हो चुके हैं। मैंने पहले ही बोला था ये ट्रस्टेबल ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी लोगों ने वीडियो बना दिया। अगर आप चेक करोगे तो पहले या दूसरे नंबर पे मेरा वीडियो निकल के आएगा। खैर यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, ये ऐप खुद बोलती है कि मैक्सिमम 5,00,000 तक का आप लोन ले सकते हैं और ये आरबीआई NBFC अप्रूव्ड है। इसकी मैं आपको NBFC भी दिखा देता हूँ, ये इसकी दो NBFC देखिए, रेस्पो फाइनेंस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और RPN पिंट्रालिस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। इनकी वेबसाइट पे जाकर भी इस पे क्लिक करके जो है इनकी वेबसाइट पे खुद जाना, NBFC के जाइब का पूरा नाम दिखाई देगा, जाइब की पूरी डिटेल निकल के जाएंगे। हाँ ये कोई फ्रॉड ऐप नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप जो है लोन ले सकते हैं 5,00,000 तक का, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया। चलिए सीधे आपको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ बिना समय गवाए। तो कुछ इस तरह से ऐप ओपन होगी, यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा अगर आपका अकाउंट पहले से ही, नहीं तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके जो अपना यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे चल रहा है देखिए, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। मोबाइल नंबर डाल दिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, OTP आएगा, ठीक है, आपके फोन पे OTP यहाँ डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए OTP डाल देते हैं, OTP डाल दिया, आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ परमिशन देनी पड़ेंगे, तो अलाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह की लोकेशन वगैरह परमिशन, अलाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको पहला नाम और आखिरी नाम डालना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट नेम, फिर यहाँ पे आपको जो है सेव कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पैन कार्ड पे जो भी पैन नंबर है वो डालना पड़ेगा, पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी पड़ेगी। राघव शर्मा या मास्टर सब्सक्राइबर का नाम है, आप चेक करिए, पूरा बकायदा आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। ईमेल आईडी को हम डाल देते हैं जो भी है, या आप जो है यहाँ पे आपके फोन में जो भी जीमेल आईडी पड़ी हो उससे आप जो है लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीमेल आईडी जो है वो डाल देंगे, तो यहाँ पे जीमेल आईडी डाल दिए, उस पर एक जो है OTP जाएगा, मेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए OTP आ गया, उसको वेरीफाई कर लिया है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप सैलरीड है या सेम्प्लॉयड है। दोस्तों ये सैलरीड सेम्प्लॉयड दोनों को लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा मोस्टली उन्हीं पे ध्यान देती है, उन्हीं को लोन प्रोवाइड करती है जो सैलरीड पर्सन है, और आपकी सैलरी 15,000 प्लस होनी चाहिए और 650 प्लस सिविल है। आपको घर बैठे 5,00,000 तक का लोन प्रोवाइड करती है। हमारे सब्सक्राइबर हाल ही में उनको 3.5 लाख के आसपास का यहाँ से लोन मिला है। सेम्प्लॉयड है तो आपको बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन आपका बैंक का स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए और आपका सिविल कम से कम 750 प्लस है, तभी आप उम्मीद करिएगा यहाँ से लोन मिलेगा, क्योंकि सेम्प्लॉयड वालों को इतनी देर प्रोवाइड नहीं करता है और शरीर वालों को खटाक से प्रोवाइड कर देता है। 15,000 की सैलरी है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पे सैलरीड को सिलेक्ट कर लिया है।
अब आगे बढ़ेंगे, आई कंफर्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप ठीक है, आई कंफर्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका जो कंपनी है, किस कंपनी में काम करते हैं, इनकम क्या है, वर्क ईमेल आईडी क्या, वो सब आपको डालना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल सब डालनी पड़ेगी, यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम क्या, वो आपको कंपनी का नेम चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम चुन लिया, सारी डिटेल्स हमने फिलअप कर दी है। अब आपको जो है गेट ओटीपी पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। चलिए हम ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे। आपकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे आपको अपनी जो होम लोकेशन है वो आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आप लोकेशन डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है मैनुअली भी जो है फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस तरह से अपना एड्रेस डाल देंगे, सेव एंड कंफर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे वेरीफाई डिटेल्स, हमारी वेरीफाइड डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी लिमिट है वो निकल के आ जाएगी, थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,20,000 की लिमिट मिल चुकी है हमारे सब्सक्राइबर को। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ निकल के आ गया। अब यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, इस लिमिट को लेने के लिए। यहाँ पे आपको आधार को वेरीफाई करना होगा, आधार नंबर डाल देंगे, आधार का ओटीपी आ गया, वेरीफाई कर देंगे, आधार वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी देनी पड़ेगी, हमारे सब्सक्राइबर सेल्फी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि आपको सेल्फी इस तरह से देनी है, सही क्या गलत क्या है। टेक अ सेल्फी पे क्लिक करके सेल्फी दे देंगे, इस पे क्लिक करके ये सेल्फी दे रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर। चलिए यहाँ पे सेल्फी को कंप्लीट कर लेते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दिया, वेरीफाई। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अकाउंट, ठीक है। अब पैसा किसमें लोगे, अपने यूपीआई में या अपने अकाउंट में, चलिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स डालेंगे, एड मैनुअली बैंक डिटेल्स। चलिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स डाल देते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं। तो चलिए अकाउंट नंबर सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया है, एफबीसी कोड भी डाल दिया है, ब्लर कर दिया है, दिखाना नहीं चाहते हैं। चलिए कंफर्म पर क्लिक करके अब आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 1 रुपए डाल के आपके अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, वो प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है दोस्तों भैया, यहाँ पे एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आपको ईमेल लगाना पड़ेगा, ताकि ऑटोमेटिक किस्त आपके अकाउंट से कट जाए। चलिए एटीएम से लगा देते हैं। यहाँ पे लोन एप्लीकेशन, सेशन लेटर, की फैक्ट, लोन एग्रीमेंट सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप ई साइन कर सकते हैं, भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा, तरह से आप साइन करेंगे, देखिए हमारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह साइन करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ई साइन कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपको लोन एग्रीमेंट लेटर मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे 1,20,000 की लिमिट मिल चुकी है, देखिए, लेकिन इसमें 1,00,000 रुपए लोन लेके दिखाएंगे कैसे आपको बैंक में ट्रांसफर करना है। तो जितनी लिमिट मिली है उसके हिसाब से आप जो है बैलेंस या जो आपका लोन का अमाउंट अपने हिसाब से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, 50,000, 1,00,000 जितनी की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, देखिए सिलेंडर का बुक कर सकते हैं, पाइप गैस इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुका सकते हैं, और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो खैर मैं इसका यूज नहीं है, आपको यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी को रेफर भी करते हैं तो 2-2.5 रुपए मिल जाता है इसमें, ऐसा भी कुछ है, रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं, देख लीजिए आपको पूरा सामने दिखाया जा रहा है। तो चलिए 1,00,000 का जो 1,20,000 की लिमिट मिली उसको लेके दिखाते हैं, गेट ऑन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो है 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने के लिए लोन ले सकते हैं इतनी ईएमआई में, ठीक है। पूरा आपके सामने लोन डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जिसको आगे खिसकाएंगे तो देखिए 1,20,000 तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, और मिनिमम जितना आप लेना चाहे। तो 1,00,000 का लोन लेके दिखा रहा है 9 महीने के लिए, देखिए 9 महीने के लिए आप चुन लेते हैं तो लोन डिटेल्स आएंगी, देखिए पूरी ईएमआई बन के आ गई, 1,00,000 का लोन है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है, जीएसटी कितनी लग रही है, मैं जो है अकाउंट में कितना आएगा, टोटल रिपेमेंट करना है 1,10,197 का इंटरेस्ट लग रहा है, 10,197 का ट्रांसफर अमाउंट, 96,000 अंडर प्रोसेस, हमारे अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया गया सक्सेसफुली, हमारे अकाउंट में ये पैसा डाल दिया गया हमारे बैंक में, हमारे सब्सक्राइबर के, देखिए 96,061 रुपए हमारे जो है सब्सक्राइबर बैंक में चला गया, और 20,000 रुपए अभी भी रह गए, हम चाहे इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से घर बैठे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारे सब्सक्राइबर को 1,00,000 का लोन यहाँ से मिल गया है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर ज्यादा लोन अमाउंट निकल के आता है, जैसे मान लीजिए 5,00,000 की लिमिट मिल गई पूरी, तो आपको जितनी जरूरत है उतना ट्रांसफर कर सकते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 50,000, 10,000। अब आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी लिमिट निकल के आ रही है। हमारे सब्सक्राइबर का सिविल अच्छा खासा था, 680 था, उनको यहाँ पे 1,00,000 की 1,20,000 की लिमिट मिल गई, 1,00,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो सिविल 650+ 15,000 की सैलरी होनी चाहिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये सैलरी वालों को ही लोन प्रोवाइड करेगी। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है तो भी आपको लोन मिल जाएगा बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो वीडियो बने रहिए, आपको दो बार बता दूंगा जहां से आप ऑनलाइन आधार कार्ड पैन कार्ड पे लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लोन डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, जो लोन की समरी वो क्या, 1,00,000 का लोन लिया, 3,000 की प्रोसेसिंग फीस लग गई, 540 जीएसटी लग गए, और यहाँ पे इंश्योरेंस का एक ऑप्शन आता है 399, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंश्योरेंस के पैसे कटवाने नहीं कटवाने आपकी मर्जी है, आप रुपए दो या ना दो, इसको मतलब मेरे साथ होते उसको ऑफ कर देना। 96,100 रुपए आपके अकाउंट में आएगा, 10,197 का आपको ब्याज लगेगा 9 महीने का, महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 1,100 रुपए के आसपास निकल के आएगा। 1,10,197 का रिपेमेंट करना है, और कितनी ईएमआई बन के आ रही है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ईएमआई भी पूरी बन के आ रही है। 9 महीने के लिए ये लोन दिया गया है, 9 महीने में इनको ये पूरा लोन चुकाना है, ठीक है ना। तो 9 महीने के साथ ही ईएमआई बन के आ रही है। तो इस तरह से आप यहाँ से घर बैठे लोन ले सकते हैं।
तो अगर आप इस ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मेरे लिंक से अप्लाई करोगे तो लोन मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे लिंक पे जाएं और यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप बात आती है कि यहाँ से अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो क्या करें, दो ऐप सजेस्ट कर दे रहा हूं, टू बैलेंस और नाबी, दोनों में आपको बिना किसी इनकम प्रूफ को लोन मिल जाएगा। टू बैलेंस में आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड 15,000 तक का लोन या 20,000 तक का मैक्सिमम मिल सकता है, और नाबी में आपको कैश ऑन पे क्लिक करके 9 महीने के लिए 25,000 का लोन मिल जाएगा और आधार कार्ड पैन कार्ड पे। इसके अलावा मैंने और भी ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए, सब टेस्टेबल ऐप है, उन्हीं ऐप के लिंक दी हुए जो टेस्टेबल ऐप है जो आपको लोन प्रोवाइड कर दे, आप उनमें भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लोन की बहुत जरूरत है तो। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगे। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो है ऐप में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।